हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इट्स अ 24th लेक्चर ऑफ आवर हिमाचल जीके सीरीज। आप में से जो भी इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। जाने से पहले ये वाला जो लेक्चर होगा, ये वाला लेक्चर मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा और ये सबको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि आपको एक बारी में हो सकता ना हो। वैसे तो नोट कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कभी एक साथ में, चाहे वो एचएएस का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का, एलाइड का हो, कोई भी एग्जाम। रावी, ब्यास, सतलज एंड यमुना। लेकिन वैदिक काल में, इन द वैदिक एज, जो रिवर्स थी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, तो ब्यास इसमें नहीं ली गई थी, उसकी भ्याप पे कौन सी थी झेलम। और हिमाचल एग्जिस्टेंस में था नहीं, था क्या पंजाब, तभी तो नाम पड़ा पंजाब। और रिवर कौन कौन सी बहती थी उस टाइम पीरियड में, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, और नाम क्या थे इनके, शतुदरी, शतुदरी, बिपाशा, पुरुषाणी, अस्किनी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, वितस्तता। ये पता लग गया होगा आपको कि कौन किसके नाम है। मैंने ये करवा दिया था आपको एक चार्ट, जहां पर मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से नाम हैं। तो ये इनके वो वाले नाम थे। और इसके साथ ये पांच रिवर हो गई, फाइव रिवर्स, ठीक है, बढ़िया है। इसके साथ में जब दो रिवर और मिली, दो कौन सी थी वो, सिंधु एंड सरस्वती। जब सिंधु और सरस्वती इसके साथ मिली तो रीजन का नाम क्या हो गया, बताएगा कोई? हाँ, सप्त सिंधु। सरस्वती तो अवलुप्त हो गई है, ठीक है, पहले बहती थी ये। तो जहां पर सरस्वती, यमुना और कौन सी बची, गंगा, तो इन तीन रिवर्स को क्या कहा जाता था, पता है किसी को, त्रिवेणी। और अगर आप जितनी भी ये रिवर है, ये जो रिवर है, ये जो जहां पर मिलती है, प्रयाग के साथ मिलती थी ये प्रयाग। और इन नदियों को महाभारत में क्या कहा गया है, देव नदियां। तो ये है नदियों के बारे में थोड़ा सा जो ओवरव्यू था। स्टार्ट करेंगे हम किसके साथ, कौन सी रिवर के साथ स्टार्ट करें, आप किसी भी रिवर के साथ कर लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे ऊपर कौन सी रिवर आती है, चिनाब रिवर। नाम लिखते जाइएगा आप, संस्कृत नेम कौन सा है, खुद से लिखो जरा, वैदिक नेम। हाँ मुनीश, हो रहे कोई
कोई तो बता दीजिए, एक कोई बता दीजिए मुझे संस्कृत नाम। संस्कृत हाँ सर ठीक है। और ग्रीक नेम? आपकी आवाज थोड़ी कट-कट के आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आपको? तो ये हमारे नाम हो गए। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि चंद्र और भागा किसका नाम है या वैदिक नाम किसका है। तो इसमें तो आपको ऐसा रट्टा मारना है, रट्टा चाहे जो भी हो वो आपको करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्र और भागा किससे आती है, ये रिवर किससे बनती है? चंद्रा एंड भागा से। और ये चंद्रा और भागा कहां से निकलते हैं, जो रिवर्स हैं? बारालाचा ग्लेशियर, बारालाचा पास, सॉरी। अगर मैं इनका आप हम इनका ये बना देता हूं डायग्राम, रफ डायग्राम, जैसे इसमें मिली ये चंद्रा है और ये भागा है। कहां मिली? तांडी में। ठीक है, उसके बाद इस वाले रीजन में वही है। ये वाला जो यहां पर स्थान है इसको क्या है, ये भुजिंद, BHUJIND। ये वाला क्या हो गया, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, इसके आगे ये चंबा में प्रवेश हुई। ये वाला रीजन क्या हुआ, चंबा। और यहां पर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, संसारी नाला। और यहां से ये एंटर कहां कर जाती है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला जो रीजन हो गया, अब जम्मू एंड कश्मीर की, ये भी क्वेश्चन आता है कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी वैली, दैट इज बॉर्डर वैली। अब जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया। इसके साथ में जब आपकी यहां ट्रिब्यूटरी मिलती है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो भागा रिवर है भागा रिवर कहां से निकलती है, सूरज ताल लेक से। तो सूरज ताल लेक में क्या मेंशन करना है आपने, थर्ड हाईएस्ट लेक इन, थर्ड हाईएस्ट लेक इन इंडिया, या यहीं पर मेंशन कर दिए या कहीं और पर मेंशन कर दीजिए जहां आपने मेंशन करना है। और थर्ड हाईएस्ट लेक इन इंडिया एंड 21st हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये भी साथ में मेंशन कर दीजिए। और वेटलैंड साइट भी है ये सूरज ताल, वो भी मेंशन कर दीजिए, वेटलैंड साइट भी है साथ में, ताकि आपको बार बार ये ना करना पड़े। और अगर आपने हाईएस्ट लेक करनी है, हाईएस्ट लेक इन द इन इंडिया, तो उसको सर्च करके आप, शायद ये वाली लेक है ना, देख लीजिए इसको, गुरु डोंगमार, सरोज ताल लेक के बारे में सुनाई दे दिया था, थर्ड हाईएस्ट लेक इन इंडिया एंड 21st हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। गुरु डोंगमार लेक हाईएस्ट इन द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, जो कि सिक्किम में है, नॉर्थ सिक्किम में,
सर्च करना है उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। अब ऐसा कीजिए, इसको मत भूलना, ठीक है? इसके साथ में आपको लेक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको जैसे थर्ड हाईएस्ट पता लग गया, तो इंडिया की लेक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर लेंगे, पर बाकी के जो बच्चे हैं उनके लिए इसके साथ में नीचे कर देना, ठीक है? बता दूं ना अभी? जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट लेक है, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर लेक क्या होती है? खारा पानी, जैसे समुद्र का खाना खारा पानी है, सॉरी, जो लेगून होता है, लेगून लेगून क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर, इधर समुद्र है यहां पर, तो यहां से कुछ इरोजन किया और ये पीछे चला गया यहां से रीजन, और यहां पर कुछ डिपोजिशन हो गई और यहां पर लेक बन गई, वो होता है लेगून। तो ये है वो लेक, कौन सी लेक है? चिल्का लेक। ये है लार्जेस्ट लेक, ठीक है? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी अंतर होता है, ठीक है? लॉन्ग मतलब से लंबी, सबसे, अगर आपको ब्रैकिश वाटर लेक आ जाए कि सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, या आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी लेक कौन है ऐसे ही, तो वो कौन सी है? चिल्का लेक। कहां पर है? ओडिशा में। और जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है पुलिकट लेक। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ये है, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, उसके बॉर्डर पर है ये। अब लार्जेस्ट हमने यहां पर कर लिया, लॉन्गेस्ट नहीं किया हमने, लंबी लेक कौन सी है? वो है बेमनाड लेक, BEMBA, बेमनाड लेक, और ये है केरला में। ठीक है, लार्जेस्ट हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, लेकिन ये थे ब्रैकिश वाटर। अगर आपको फ्रेश वाटर आ जाए, ये आ गया आपको फ्रेश वाटर, तो वो है वूलर लेक। और ये वूलर लेक कहां पर है? नहीं पता किसी को? जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये बनती कैसी है, कैसे बनी है फ्रेश वाटर लेक? अब लेगून का मैंने तो बता दिया आपको, इस लेक को फॉर्मेशन होने के लिए भी कुछ हुआ होगा, तभी ये फ्रेश वाटर लेक बनी है। कुछ तो हुआ होगा ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, उससे बनी है, प्लेट्स का मूवमेंट, उस वजह से बनी है ये फ्रेश वाटर। कोई समुद्र का पानी आता तो खारा बन जाती है, तो खारी बन जाती है। सांभर लेक राजस्थान में, खारे पानी की। चलो अब वापस आ जाओ अपने मोड़ पे, लेक्स का हो गया, मैं यहां से इसको खत्म कर रहा हूं। अब अपने पॉइंट पे आ जाइए, तो मैं बता रहा था आपको चिनाब रिवर के बारे में, चंद्रा और भागा के बारे में, टांडी में, ये तांडी में आपस में मिल जाती हैं ये, और सूरज ताल लेक के बारे में मैंने बताया, फिर भुजहिंद में, चंबा में ये एंटर हो जाती है, यहां पर मैंने कुछ बताया।
चंबा में, ये चंबा यहां तक था ना, सॉरी। चंबा में यहां तक आना था इसमें, फिर यहां से सुनसारी नाला में पॉलर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो जाती है। अब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जैसे मियार नुलहा, वो इंपॉर्टेंट है यहां पर ट्रिब्यूटरी। तो तांडी के बाद भुजिन से पहले कहां पर, लाहौल एंड स्पीति में ही, यहां से जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ आ जाए फिर आपको, जो चेंज ही है वैसे। यहां से ट्रिब्यूटरी आ रही है मियार नुल्हा, यहां लिखना है आपने मियार नुल्हा, जो नाला है वही मियार या खड भी कहते हैं, मियार खड। और जहां पर ये ज्वाइन करती है उदयपुर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं आपको। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है सेचिन नुलहा, यहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में ही। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चिनाब रिवर में काफी है वैसे, इसमें है नहीं कुछ ज्यादा बताने के लिए चिनाब रिवर में। सर रिपीट कर अच्छा, दें इसको, सेकंड कौन सी है? क्या चीज़ है, एक तो मियार नाला होगी, दूसरी कौन सी है? सेचुरनुला, एक मिनट मैं लिखता हूं यहां पर, SAICHER, या खड़ भी लिख सकते हैं, सेचर खड़, या नुलाहा लिख दीजिए आप। जो इंपॉर्टेंट है वो, सॉरी इसमें से मिस हो गया मेरा, जो इसकी टोटल लेंथ है साथ में लिख दीजिए कहीं पर, टोटल लेंथ वो है 122 किलोमीटर। और जो कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया मतलब जहां जहां से ये बह रही है उसके साथ वाला जो क्षेत्र है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसका क्षेत्र, वो कितना है, कैचमेंट एरिया, तो वो है 7500 स्क्वेयर किलोमीटर। टोटल लेंथ लिखनी है इसकी और कैचमेंट एरिया, और इसमें क्या रह गया है, वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए कि वाटर कितना है इसमें, इसका जो प्रवाह है वो कितना है, उस तरीके से देखा जाए तो ये चिनाब इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए कितना प्रवाह है, तंग सी रिवर है, ऐसे नहीं बहुत खुली जैसे सतलुज रिवर है वैसी नहीं है, उसका एरिया देखिए कितनी फैलावट है उसकी, इस रिवर में ज्यादा बह जाएंगे, इस रिवर में पार करना बहुत मुश्किल है इस रिवर को। तो ये दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली रिवर पता नहीं खत्म होती है कि नहीं होती है, चलो दूसरी रिवर है रावी रिवर। संस्कृत में वैदिक और ग्रीक, जल्दी बताइए कोई बताएगा। इतने और चीज लिखता हूं, परुषाणी और संस्कृत इरावती, वैदिक नाम क्या है, परुषाणी पुरुषाणी पुरुषानी, और संस्कृत नेम इरावती, इरावती ग्रीक नेम,
हाइड्रेटस हाइड्रोटेस। अच्छा ठीक है, ये चीजें हो गई। और टोटल लेंथ पहले ही लिख देता है उसके बारे में ना, उसमें क्या क्या पहले लिखा है आपने, 158 किलोमीटर। और जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब मैप बना देता हूँ उसका, जो रफ मैप है वो कैसे होता है। ये रिवर है, कहां से निकलती है ये? बड़ा बंगाल। तो जो ये है ये क्या है? बड़ा बंगाल। लेकिन यहां पर भी इससे दो रिवर मिलती हैं, उससे ये बड़ा बंगाल में ये रिवर बनती है रावी, वो कौन सी है? यह तंतगिरी, जो कहां से निकलती है? TNT, तंतगिरी। कहां से निकलती है? तंतगिरी ग्लेशियर। एक दूसरी कौन सी हो गई? भादल। और भादल किससे निकलती है? भादल ग्लेशियर। अच्छा जी, ये दो चीजें हो गई हमारे पास। यहां पर ये कांगड़ा में रही, ये एंटर कौन से स्थान पर होती है? चंबा में। कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है बताया है ना बुक में। ये हो गया, ये वाला रीजन कौन सा हो गया? कांगड़ा। और इसके बाकी का नाम ये हो गया आपका चंबा। और खेरी, ये वाला है खेरी, KHERI। खेरी से ये कहां एंटर कर जाती है? पंजाब में। तो कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट में गई है? दो, कांगड़ा और चंबा में आपके। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब राइट देखिए किस तरफ है, राइट बुधिल, कौन कौन सी है? चंबा में, जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो चंबा में है इसकी। बलजेड़ी, BEL IJEDI, बलजेड़ी, बुधिल, BUDHIL, बेरा सियूल, ये दोनों इसमें आकर मिल जाती है, फिर इसको बेरा ही कहते हैं, बेरा, SIUL। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वो है यहां पर आपकी चिरचिन नाला, CHIRCHIND, चिरचिन नाला, NALA। चंबा जो टाउन है वो राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है? लेफ्ट बैंक पे है? पक्का? हाँ जी, बाकी के लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट बैंक पे है राइट बैंक पे है?
लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट पे है। आई थिंक वो राइट पे है। चंबा जो टाउन है वो राइट पे है। ठीक है, जो खजियार है या आपका डलहौजी है वो लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है, जो चंबा जो टाउन है, मेन जो टाउन है, जैसे चंबा टाउन हो गया, लिखते जाइए आप, चंबा टाउन हो गया, भरमौर हो गया, वो राइट बैंक पे है। जो ये मेन टाउन है वो आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि कौन से बैंक पे है वो। तो टोटल लेंथ मैंने आपको बता दी, और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट आपको, भादल, तंतगिरी, सियोल, बेरा, तीसरी रिवर कौन सी है, अब ब्यास। अच्छा बता दीजिए, ब्यास का नाम बता दीजिए मुझे। संस्कृत, अर्जिन किया नहीं वैदिक, अर्जिकिया, सर, संस्कृत तो विपाशा है। विपाशा, अर्जी किया, और ग्रीक, अच्छा हाइपसिस। फेसेस तो ये तीन तो आपको, इसको तो मतलब याद ही होना चाहिए आपको, इसका तो कोई उसके बारे में बताना है थोड़ा सा। रिवर प्यास 256 किलोमीटर जा रही है ये हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा गया है एग्जाम में। और जो कैचमेंट एरिया ये इंपॉर्टेंट है, ब्यास रिवर थोड़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ी सी, क्योंकि अब देखिए रावी रिवर दो ही डिस्ट्रिक्ट में से जा रही है, कांगड़ा, और यहां से कांगड़ा से निकली और यहां चंबा में चलेगी और बाहर चलेगी पंजाब में एंटर हो गई, और उससे हमने चिनाब रिवर पे, चिनाब रिवर पड़ा, लाहौल स्पीति से आ रही है और चंबा में एंटर होके वहां से एग्जिट हो रही है। दो ही में वहां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर आपको याद रखने के लिए भी थोड़ी मुश्किल नहीं होगी आपको। लेकिन ब्यास रिवर हो गई और सतलज रिवर हो गई, ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बीच में से जा रही है। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जा रही है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कौन सी रिवर कहां पर इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो मैंने ज्योग्राफी में बता दिया था, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट में बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा मैंने शायद बता दिया था कि ये यहां से इसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, बता दिया था ना, थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें बता दिया था मैंने। अच्छा, जो कैचमेंट एरिया है वो है 1200 स्क्वेयर किलोमीटर। आपने अपनी बुक में ये जो डायग्राम है ये बहुत ही अच्छे से बनाना है, हो सकता है अभी थोड़ा गलत बने हो आपका, लेकिन ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है। सिर्फ ब्यास और सतलज रिवर में, वहां पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिवर कहाँ से जा रही है। अब यहां से किन्नौर से आइए, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बता दूं आपको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, कितनी डिस्ट्रिक्ट से जाती है ये बताएगा कोई मुझे, ब्यास रिवर। तीन तीन चार सर, चार से तीन चार सिर्फ, ब्यास सर, चार से जाती है। कौन कौन सी। पहले कुल्लू सिलपड़ी, हाँ मंडी, थोड़ा सा हमीरपुर और फिर कांगड़ा। गुड, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर कहाँ गया। हाँ सर, बीच में थोड़ा सा। नहीं, नैन्सी ने बोला ना कि तीन बताया उन्होंने, तो लिख दीजिएगा चार, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर का सिर्फ बॉर्डर टच करती है, जो सुल्तानपुर वाला एरिया है हमीरपुर का बॉर्डर, और
कांगड़ा कुल्लू से निकलती है कहां से? देखो यहां पर भी अगर आपने याद रखना है फॉर एचएस मेंस, ठीक है, वैसे तो सिंपली कहा जाता है कि ब्यास कुंड से निकलती है ये, लेकिन नहीं, एक जो ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यास कुंड से निकलती है और एक जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यास ऋषि से निकलती है, दोनों कुल्लू में ही है। तो क्या बोला मैंने आपको, इस एरिया का नाम भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाली है ब्यास कुंड से ट्रिब्यूटरी आ रही है कोई, और दूसरी है ब्यास ऋषि। जो ये स्थान है इसका आपने नाम लिखना है पलाचन। क्या हो गया? PALACHAN, पलाचन विलेज इन कुल्लू। कुल्लू यहां पर ये दोनों मिल जाती है और यहां से ब्यास रिवर का फॉर्मेशन कर देती है। यहां पर यहां से एंट्री हुई, यहां पर चुकी रिवर जो मैंने बता दिया आपको, गजखड़, जो पोंग डैम है उसके साथ ही ये ज्वाइन करती है, जो गजखड़ है। तो बाकी के तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तीर्थन लिख दिया आपने, उहल लिखा, उहल उहल रिवर। यहाँ लिखना मंडी में, मंडी वाले रीजन में उहल रिवर। ब्यास के बारे में और क्या रहता है आपको? चलो ब्यास का भी हो गया। वैसे मैंने आपको बताई ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये हो गया ब्यास। नेक्स्ट रिवर सतलज। संस्कृत नेम वैदिक एंड ग्रीक, बताइए जरा। सर संस्कृत है शताद्रु, वैदिक है शतुद्रि। शतुद्रु, शतुद्री, ग्रीक नेम सर ग्रीक है एसिड्रोस समथिंग है। हिसिड्रस। अच्छा, और इसके बारे में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जाती है ये? सर किन्नौर से चलती है, शिमला, फिर कुल्लू मंडी के बॉर्डर से, थोड़ी सी सोलन और फिर लास्ट में बिलासपुर। लिखते जाइए अपनी कॉपी में, 1 2 3 4 5 6। सिक्स डिस्ट्रिक्ट से कवर होते हुए जा रही है ये, और इसमें जो लेंथ और कैचमेंट एरिया 300, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, 320 किलोमीटर, क्योंकि सबसे लंबी रिवर है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर बह रही है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो कैचमेंट एरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कितना है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो एंट्री हो रही है यहां से, कहां से हो रही है? शिप के पास से, जब जहां जहां आपको क्वेश्चन आएगा।
इससे पहले कि मैं आपको वो मैप बताऊं, क्या बता रहा था मैं आपको, जो इसका जो मार्ग है वो किसने बनाया था, जो बाणासुर थे, बाणासुर बताया था मैंने बाणासुर के बारे में, याद है, जिसकी कामरू वाला इराका वो उसका हो गया था, वो याद है ना। कहते हैं जो कि मानना है, अब जो प्रचलित कथाएं हैं, उन्हीं ने जो सतलुज रिवर का जो मार्गदर्शन था वो इन्हीं ने किया था। तीन रिवर थी वैसे, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड सतलुज। ब्रह्मपुत्र को कहते थे पीले जल, जो पीले जल वाला, पीले जल वाली रिवर। और जो सिंधु है उस टाइम पीरियड में, लाल जल, रेड वाटर। और सतलुज नीले जल। अब सतलुज तो मैंने देखी है, सतलुज के बारे में तो आप, नीली दिखती है वो, लाल और पीले जल वाली, ये भी आप देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो जब ये रिवर्स वहां से बह रही थी इनिशियल टाइम पीरियड में, बहुत थी जो कथाएं हैं उसमें, तो ये इनका प्रवाह रोक नहीं पाया। तो उसने क्या कर दिया, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी उसको पूरब की ओर, और जो सिंधु रिवर है उसको पश्चिम की ओर, और सतलुज को अपने पीछे आने का निर्देश दिया। अब देखो, सतलुज, सिंधु रिवर कहां से जा रही है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में जा रही है, सतलुज रिवर, उसने कहा कि भाई हमारे पीछे आओ, तुम हमारे साथ साथ चलो, रामपुर में राज करता था तो वहीं से आ गई, आगे प्रभाव बनता गया, फिर वो कारवां चलता गया। और जो शतुद्र है इसमें, शतुद्री है, उसका जो मतलब होता है वो होता है सैकड़ों धाराओं वाली, अगर आपने लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये रिवर, तभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में ज्यादा, सैकड़ों धाराओं वाली। किसका मतलब है ये, शतुद्र का। और एक और चीज कि ये लिख लिया आपने, हिमालय से निकलने के कारण, अब हिमालय से निकलती है ये, इसके कारण इसको हेमवती भी कहते हैं, हेमवती और होप्सिस। और ग्रीक में क्या कहते थे इसको, हिचिट्रस। अब जब सिकंदर भी आए थे आक्रमण करने भारत, तो उनकी जो अंतिम सीमा थी वो भी यही बनी थी, ठीक है। और किन्नौर में इसको किस नाम से जाना जाता है, सोमुद्रंड। ये डॉ में अंक की मात्रा, क्योंकि ये किन्नौर में सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए इसको सोमुद्रंड भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है समुद्र। तो इस रिवर के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब सतलज रिवर के बारे में।
अब इसकी एंट्री की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से एंटर हो रही है, ये कैसे कैसे आ रही है। उससे पहले अब राइज कहां से हो रही है, मानसरोवर से। मानसरोवर के पास में जो रक्षताल लेक है, रक्षताल, नियर ओरिजिन लिखना है यहां पर आपने, ओरिजिन, रक्षताल लेक नियर मानसरोवर लेक। और वहां पर तिब्बत में, अब किन्नौर में आपने लिख दिया, किन्नौर में क्या कहते हैं, तिब्बत में इसका जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, लोंगचन खाब, LON GCHEN KHABAG, लोंगचन खबाग। लिख दिया आपने, तो मैं आगे चलता हूं फिर। लिख दिया ना, कुछ तो बताइए, लिख दिया, नहीं लिखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रफ स्केच बना दीजिए। ये बन गया आपका रफ स्केच। किन्नौर, किन्नौर से आपकी एंटर हुई है, ये कौन सा स्थान है, चौरा, CHAURA या CHORA, जो भी आपने लिखना है। कहां पर एंट्री हुई इसकी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक साइड ये यहां पर शिमला के साथ साथ, यहां शिमला नीचे की तरफ है और यहां पर कुल्लू के साथ ये बॉर्डर बना रही है। ये बॉर्डर टच करती जा रही है, सिर्फ कुल्लू और मंडी के साथ ही बॉर्डर टच करती, लेकिन कुल्लू में नहीं बताया गया, जैसे जहां पर ये मंडी में टच करती है, ये मंडी का एक विलेज है, फिरनू विलेज, वो आपने याद रखना है कि मंडी में कहां पर टच करती है ये, या एंटर कहां पर होती है। यहीं पर अगर ऊपर की तरफ लिखे फिरनू, ये मंडी हो गया। फिर नू विलेज लिखना है आपने। उसके साथ यही मंडी के साथ में ही यहां ये सोलन डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। ये क्या है, सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, सोलन में भी टच कर लिया। और उसके बाद एंट्री होती है कहां पर, बिलासपुर में। और कहां पर एंटर होती है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कसोल, KASOL, एंट्री होती है इसकी बिलासपुर में। जो जैसे आपने बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगे, ये आपका बन गया मैप, रफ स्केच, मैप नहीं, रफ स्केच बन गया आपका। छह डिस्ट्रिक्ट से कवर हो गई इसकी। अब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, मैं अगली साइड बना देता हूं, अगले मैप में। यहां पर थोड़ा ये हो जाएगा, फिर ये बनी,
अपने तरीके से बना दीजिए जैसा आपको अच्छा लगता हो। ये चौरा हो गया यहाँ पर, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है, स्पीति रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जहां पर मिलती है खाब नामग्या के साथ में ही, कहां पर मिलती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये खाब, और निकलती कहां से, ये कुंजुम पास से निकलती है स्पीति रिवर। पिछले कल भी मैंने बता दिया था शायद स्पीति रिवर के बारे में, थोड़ा सा मेजर जो थोड़ा सा पोर्शन है वो लाहौल एंड स्पीति में, एंड देन जो लोअर एरिया है वो कहाँ पर है आपका, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर खाब में, वहां पर स्पीति में ये मिल जाती है। यहाँ से एंट्री हुई इसकी शिप की पास से, वो तो आपको सभी को पता था इसलिए मैंने नहीं बताया वो। और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है मुलगुन, अपने हिसाब से बना दीजिएगा, मतलब जो मैंने बताई डिस्ट्रिक्ट वाइज की यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी ये है, फिर आपने ये मार्क कर देना है अगर आपको समझ आ गया है। 33 यहां से बसपा, ठीक है। एक है यहां पर ज्ञान सिंह, अगर लिखना है आपने GYANTHING, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बसपा इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, 33 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, मुलगुन इंपॉर्टेंट, स्पीति इंपॉर्टेंट, फिर शिमला में जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी नोगली खड़। अगर ऐसे आए तो इट्स लेफ्ट बैंक, ठीक है, नोगली खड़। बिलासपुर में इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, फिर अगर मंडी में करनी है, मंडी में जैसे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है इमला बिमला, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यहां पर। और जो ये जहां पर मिलती है ये वो है परलोक, परलोक विलेज, कहां पर, ये करसोग, इंपॉर्टेंट है ये इमला बिमला, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपको इमला बिमला वैली के बारे में, ये हम वैलीज में पढ़ना पड़ेगा शायद हमको कि इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट पासिस, बहुत कुछ है। अभी बिलासपुर में जब कसोल में एंटर होगी इसकी, कुल्लू में लिख दीजिएगा आप जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो मैंने करवाई होगी, इसमें करवाई है तो लिख दीजिएगा। अच्छा, यहां से अलीखड़, राइज कहां से होती है ये, अलीखड़ तो इस साइड उल्टी साइड लिख दिया मैंने, नीचे की तरफ आनी थी वैसे, ये यहां से इस साइड से, तो अली ऊपर रहने देना है नाम, क्योंकि राइज सोलन से होती है ये अलीखड़, फिर जाके बिलासपुर में मिलती है इससे। सीर खड़ हो गई, और उसके बाद कहाँ हो जाती है इसकी एग्जिट, भाखड़ा नंगल डैम में, भाखड़ा नंगल विलेज से इसकी ये एग्जिट हो जाती है। तो लगभग ये समझ आ गया सतलज रिवर के बारे में। चलूं मैं आगे, फिर लास्ट रिवर यमुना रिवर, ऐसा तो लग रहा क्या चला हुआ ये रिवर सिस्टम है चला हुआ ये।
पता लगे आपको लगा कि सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, तो सांप सीढ़ी नहीं है ये, कि हम कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं, वहां पर लिखा तो है वहां पर कुछ। यमुना। संस्कृत नाम। यमुना ही है सर मैंने संस्कृत, हाँ यमुना ही है सर शायद संस्कृत, और वैदिक नाम। यमुनोत्री में भी वैदिक खलिंदी, खलिंदी क्या है, खलिंदी सर, खलिंदी दो बार है कि एक बार ही है? एक बार सर। ठीक है, कालिंदी। एन एन नाम था यहाँ पर, एन। तो सबसे ईस्टर्न रिवर है ये, ईस्टर्न नहीं, हाँ ईस्टर्न, सबसे अंत में बह रही है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर। ये कालिंदी मैंने यहां पर ऐसे लिख देना, यहां पर गलत मत लिख देना। अब ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आती हुई सिर्फ वहां पर टच कर रही है, सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, अंत में। इसमें तो बताने लायक भी नहीं है कुछ ज्यादा। यमुना रिवर में इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, पाटा, जलाल। शॉर्टेस्ट रिवर लिख दीजिएगा पहले, शॉर्टेस्ट रिवर है। ठीक है जी, हमने मान लिया शॉर्टेस्ट रिवर है, लेकिन इसमें जो है, इसमें इसका एरिया नहीं, सॉरी डिस्टेंस है, कितना कवर किया है वो नहीं बताया गया है बुक्स में। अगर मैं देखूं सिरमौर की जो वहां पर खोदर माजरी में, खादर माजरी में वहां पर एंटर करती है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ताजेवाला में ये एग्जिट हो जाती है, तो इसको भी देख भी रहा था कि खादर माजरी यहाँ पर कहाँ जैसे हो सकता है ये मैप में। तो इसका डिस्टेंस देखना सर ये पड़ेगा। हाँ 22 किलोमीटर सर, 22 किलोमीटर है पक्का? यस सर, यस सर पक्का पक्का। लेकिन जब मैं देख रहा था पोंटा साहिब से, अगर देखेंगे आप ताजे वाला का, देखा था मैंने, तो वहां पर डिस्टेंस था अराउंड 38 किलोमीटर। चलो 22.8 किलोमीटर होगा फिर, जहां से एंटर हो रही है ये 22 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, और जो कैचमेंट एरिया है वो है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। एंट्री और एग्जिट भी लिख दीजिएगा। खादर माजरी, KHADARI, MAJRI, कहां पर, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और एग्जिट ताजे वाला, TAGEWALA। सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को टच करती हुई जा रही है, और सिरमौर के भी बॉर्डर को ही टच करती हुई जा रही है, ऐसा नहीं है कि सिरमौर के अंदर बिल्कुल जा रही है, ये नहीं। रफ स्केच बना लेते हैं थोड़ा सा। जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो है टोंस, पब्बर, इसको ही लिख देता हूं मैं, टोंस। अब टोंस में यहां से शिमला डिस्ट्रिक्ट से रूपीन खड़ आती है, रूपीन, और साथ में ही जो पब्बर है
मूवी टोन्स की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी रिवर है? गिरी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जलाल रिवर है, आंध्रा है, जलाल हो गई, आंध्रा हो गई, जो जलाल रिवर है वो है इसकी स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी। जलाल किस में मिल जाती है? गिरी में मिल जाती है। कहां पर? ददाहू में। ये मैंने आपको करवा दिया था, धारथी रेंज बताया भी था मैंने धारथी रेंज के बारे में। और दूसरा है, एक रिवर है मारकंडा रिवर, नाहन एरिया में पड़ती है मारकंडा रिवर। और जो नाहन टाउन है वो है इसके राइट बैंक पर। राइट बैंक पे क्या है? नाहन टाउन। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आंध्रा रिवर बताई, आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यार यहां पर नहीं देखना चाहिए मुझे। आंध्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, इसकी ट्रिब्यूटरी है आंध्रा। चिरगांव है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये राइज होती है, वहां पर ये से मिल जाती है, सॉरी आंध्रा रिवर पब्बर से मिल जाती है। और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? टोन्स। टोन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। ये होगी आपकी यमुना, यहां से ये यहां पर ताजे वाला खातर माचरी। गिरी रिवर के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। असनी रिवर लिखना है आपने, तो असनी भी लिख सकते हैं, असनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी। और एक है बाटा रिवर, बाटा रिवर को बता दिया मैंने, ये भी नाहन के साथ में ही ओरिजिनेट होती है, नाहन रिज है वहां पर ही ओरिजिनेट होती है वहां पर ये अर्चना, वहां से है आप उस साइड से, बाटा रिवर यस सर, सुना तो है मैंने बाटा रिवर। सुना है आपने? जी सर, वहां पर ऐसा कहते हैं कुछ जाल मूसा का खाला, जलाम सूखा खाला ऐसे करके, कैसे करके? जलाम सूखा खाला सर। हाँ, जलाम सूखा खाला ऐसे कहते हैं कुछ। दो ट्रिब्यूटरीज है वैसे इसकी तो, बाटा रिवर की, खारा का खाला एंड कंसर खाला। नाम बहुत खतरनाक है इसके, बड़े खतरनाक नाम है ये तो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, यहां से कभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, पर फिर वही कि पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अब जो हमारा रिवर सिस्टम है।